हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का मतलब हम समझने वाले हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। ये आपको यू तो हर जगह काम आएगा, बट खास करके जो डीएसबीएम सब्जेक्ट है डिप्लोमा के केस में और डिग्री के केस में, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, यहां पे आपका काफी काम आएगा। इसके साथ साथ जो एचएनसीपी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, वहां भी ये वर्ड काम आएगा। और अगर आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वहां भी आपको काम आएगा। और ये आज का वर्ड है बफर स्टॉक। इसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको आंखें बंद करके अपने घर की उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनका आपके घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि आपके घर में चावल रखा हुआ है 2 किलो और आपके घर में खाने वाले हैं उसको 50 लोग, तो ये पॉसिबल है क्या कि 2 किलो का 50 यूज लोग कर पाएंगे? नहीं ना। तो आपको कितना रखना पड़ेगा? आपको कम से कम उतनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी जिसको हम लोग 50 लोगों में कम से कम खिला सकें। भले आप 51-52 लोगों का मत सोचिए, 50 लोगों का आप सफर कर सकते हैं। So, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल हो गया। मेरे घर में 4 लोग हैं और सपोज एक व्यक्ति 1 पाव चावल यूज करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मेरे घर में 1 किलो चावल है, तो वो 4 लोग के लिए खत्म हो जाएगा, 4 लोग उसको यूज कर लेंगे। So, मैं क्या करूं? मुझे अपने घर में कम से कम स्टॉक कितना रखना पड़ेगा पर डे के हिसाब से? मिनिमम मुझे 1 केजी तो रखना ही पड़ेगा, मैक्सिमम आपके ऊपर है। सो आप कभी भी कैसे भी सिचुएशन को क्रॉस कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि सबको सफिशिएंट मात्रा में हर चीज मिलती रहे, कमी ना हो किसी दिन, तो आपको कितना स्टॉक रखना पड़ेगा कंपल्सरीली? 1 केजी। तो ये आपका जो मिनिमम अमाउंट टू बी केप्ट एट ऑल टाइम एट एनी कंडीशंस इज सिंपली नोन एज अ बफर स्टॉक। तो इसमें आपका 1 किलो बफर स्टॉक हो गया, इसके ऊपर आप जितना चाहे रखें। जैसे आपने मान लिया 4 किलो रखा, 4 किलो एक दिन यूज हो गया, दूसरा किलो दूसरा यूज हो गया, तीसरा यूज हो गया, चौथा यूज हो गया, अब आपके पास फाइनल बचा 1 किलो। तो जब 1 किलो बचा है उसको आप यूज करोगे तो उसके यूज करने से पहले ही आपको ला करके वहां पे रखना पड़ेगा। कुछ भी करना है लेकिन 1 केजी को हमेशा मेंटेन करना है। इसी को मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जोड़ दीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम में ये चीजें यूजफुल होती हैं कि आपको अगर एल्बेंडाजोल का 50 टेबलेट कम से कम रखना ही है तो आपको 50 टेबलेट रखना पड़ेगा। आपके पास 100 टेबलेट हैं, जैसे ही 100 टेबलेट को आप डिस्पेंस करना शुरू करते हो आपके पास 70 टेबलेट बचते हैं, मतलब 30 खत्म हो गए, 70 बचते ही आपको ऑर्डर कर देना चाहिए ताकि जब ऑर्डर प्लेस हो और ऑर्डर आए उस बीच जो आप डिस्पेंस कर रहे हैं तो कैसे भी करके आपका जो लेवल स्टॉक है वो 50 से कम नहीं हो पाएगा। तो यही तो कहलाता है सिंपल सा बफर स्टॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।